अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान है और रमज़ान में कहाँ इतना ज़्यादा खाना खाया जाता है, और मुझे लग रही थी इस वक्त भूख, और ये सारी चीज़ें ना फ्रिज के अंदर रखी हुई थी। बासी खाना या तो हम वेस्ट कर देते हैं या फिर हम किसी को दे देते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ बना डालूँ। ये हैं जी स्वीट कॉर्न बॉयल किए हुए हैं ये, और यह है जी किनवा सीड्स, आलू वाले चावल, आलू मेथी का सालन और थोड़ा सा आलू गोश्त का सालन भी है। वेस्ट करने से बेहतर है कि चीज़ों को ना ट्राई किया करें, हो सकता है कुछ इतना मज़े का बन जाए कि आप टेस्ट ही ना भूल पाओ। आधे चावल जो है मैंने बचा लिए हैं, थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे, और ये बनाकर ना मुनीब को खिलाऊंगी और टेस्ट देखेंगे कि कैसा है। हल्की हल्की आंच पर हम इसको बनाएंगे। पैन में ऐड करेंगे जी ऑयल, बारीक कटी हुई प्याज, आधी प्याज को जी मैंने डीप फ्राई किया है और आधी को मैंने साइड में करके रखा है, और इस प्याज को हम बाहर निकाल लेंगे। और इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और टमाटर, एक चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, और चिली सॉस मुझे बहुत पसंद है तो एक चम्मच ये भी, आधा कप के करीब पानी, हमारी बची हुई जी सब्ज़ी, आलू गोश्त का सालन, जो हमारे राइस बच गए थे वो भी इसमें शामिल कर रहे हैं, और यह है वो पेस्ट जो इसमें सारे का सारा जी जाने वाला है, और एक ग्लास भर के पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब इसमें हम ऐड करेंगे जी हस्ब जायका नमक, और 5 मिनट के लिए ना अब हम इसको ढककर पकाएंगे। बनके हो चुका है ये बिल्कुल रेडी। चलें जी मुनीब को टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले तो इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, और जो हमने प्याज रख दी थी, बटर भी ऐड कर रही हूँ। मुनीब, मुनीब जी, ये मैंने कुछ नया बनाया है, इसको ट्राई करना है। चलो जी, मुनीब कर रहा है इसे टेस्ट, और एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि कैसा है। अच्छा यार, क्या बनाया वैसे, ये क्या लग रहा है? हलीम लग रहा है। अब मैं खुद टेस्ट करके देखती हूँ। सीरियसली सेम लाइक हलीम लग रहा है ये। वेस्ट करने से बेहतर है कि ट्राई ज़रूर किया करें। शुक्रिया।